ये हमारे ब्रॉन्ज लाइन लीडरशिप फ्रॉम रेवाड़ी मिस्टर मुकेश सिंह चौहान जी, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सब जितने भी पैनल में है सबको राम राम। सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम। जिसको भी जो अच्छा लगे धारण कर सकता है, ये त्यांसी है सर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त है। अभी जो आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, सभी लीडर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो कर रहे हैं। और मैं तो बस एक ही पैनल के माध्यम से सर एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी पैनल में लीडर्स हैं, जितने भी पैनल में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लगे रहो, टिके रहो, सामने देखते रहो, ईगो और कंप्लेंट जीरो कर दो। जिसकी ईगो रही, कंप्लेंट रही, कुछ नहीं कर पाएगा। जिसने ईगो की है, कंप्लेंट की है, वो खत्म हुए हैं। केवल केवल ध्यान रखें अपने डाउन टीम से, अपने अप्लायंस से, हमेशा प्यार करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव वे में सोचें। अगर आप एक बार उनको सम्मान देंगे, वो हजार बार आपको सम्मान देंगे। हर सीनियर लीडर्स, हर साथी अपने डाउन टीम को, अपने बच्चों को ऊपर चढ़ना देखना चाहता है। जितने भी जो जो भी लीडर्स हैं, जो भी पैनल में हैं, कई बार मैंने इस बिजनेस में नहीं, मैंने जो घर हो, परिवार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें वो कैसे याद रखें। जब 18 साल का बच्चा होता है, 18 साल का बच्चा, 18 साल का लड़का और 16 साल की लड़की, हमें वहां बच्चों पे केयर करने की आवश्यकता है। वही मार्केटिंग में जब आप 7 स्टार बन जाते हैं तो आप अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा लीडर मान लेते हैं, गलती कर लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मान लेते हैं। यही आपकी एक बहुत बड़ी भूल होती है। इसलिए जो आपसे 17 साल पहले लगे हुए हैं, जो 5 साल से लगे हुए हैं, वो अपने आप को इतना बड़ा लीडर नहीं मानते हैं। आप 7 स्टार 6 स्टार होके इतना बड़ा लीडर मान लेते हैं और आपके अंदर एक कंप्लेंट, एक ईगो शुरू हो जाती है और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। ध्यान रखो मेरे दोस्तों, गोल्ड वाइन बनने पे ही आपने कुछ किया है। जब आप गोल्ड वाइन बन जाएंगे ना, इसका मतलब आपने फील्ड में कुछ काम किया है, कुछ करके दिखाया है। आपने अपने परिवार में, आपने अपने समाज में, आपने अपने गांव में, आपने अपने इलाके में, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपने अपने राज्य में, आपने अपने देश में, जब गोल्ड वाइन बन जाएंगे तब कुछ आपका नाम होगा। इसलिए गो गोल्डन वाइन जो सर का नारा है, इस पे फोकस करें। आप 7 स्टार 8 स्टार BL ध्यान बस आगे देखते रहे और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते रहे। एवरी प्रोडक्ट यूज करें, हर क्लोजिंग पे ध्यान करें और अपना टारगेट जो है उस पे फोकस करें। थैंक यू सर। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स। सुपर सुपर जबरदस्त चौहान साहब की जो फीलिंग्स है ना, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है बातें हमारी। आप समझ गए जो मैंने आधा घंटा बोला, जो है चौहान साहब ने जो है 2 मिनट में फिर कर दिया ब्रीफ कि भैया याद रखो। और सर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ये बोलते भी हैं कई भाई मेरे को कि सर अभी ये 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार अभी किया क्या इन्होंने। मैंने बोला नहीं नहीं किया है, चिंता मत को, किया था कुछ तो किया है कि रस्ते पे चल पड़े हैं। बट ये जरूर है कि सच बात है इनकी कि अभी हमने क्या किया है हमें देखना जरूरी है। एवरेस्ट के अगर आपने कुछ पहाड़ियां चढ़ ली ना, अभी एवरेस्ट नहीं चढ़ा है, ध्यान रखना। असली जो नाम होता ना दुनिया में एवरेस्ट पे ही होता है, गोल्ड लाइन पे। बाकी 8 स्टार में पैसे आते हैं, ब्रॉन्ज में भी पैसे आएंगे, सिल्वर में पैसे आएंगे, तो गोल्ड मेडल चाहिए अपने को तो, है ना। जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्या चाहिए उसको, गोल्ड मेडल। मुकेश जी गोल्ड मेडल क्या मांगते हैं हम, गोल्ड मेडल। बटर ट्यांस बटर लाइफ, गो गोल्ड लाइन सर, ऑल द बेस्ट।